मिंटू जी, पाकिस्तान दे विच जो हड़ आए हुए ने जी, लखां दी गिणती च लोक उत्थे प्रभावित ने, उत्थों इस वेले लेटेस्ट अपडेट की आ रही है जी? हाँ देखो, लेटेस्ट अपडेट विजय जी, जे आप देखिए तो नुकसान बहुत है उत्थे, तकरीबन 3.5 करोड़ लोग प्रभावित हो जाने, तुहाडा 10 बिलियन दे करीब नुकसान हो जाना, एक ऐसे मुल्क दा जिहदी इकोनमी अगे रसातल दे विच आ, तकरीबन बहुत ज्यादा महंगाई आ, जिथे पहला ही जे देखोगे तो राजसी तौर पर उथल पुथल है, समाजिक तौर पर इना विकास नहीं है, तो उस खिते च उस मुल्क दे विच इस तरह की बर्बादी आ जानी, वह तो जिवें कहिंदे आ ना कि मोए नूं मारे शाह मदार वाली गल है। तो उहदे च वी जे तुसीं एक चीज होर नोट करोगे तो यह जिहड़ा पाकिस्तान का हेठला पासा है जिवें बलूचिस्तान है, सिंध है, उत्थे ज्यादा मार पई है, तो दोनों स्टेट जे तुसीं देखोगे तो विकास पक्षों पछड़े ही नहीं, बल्कि उत्थे इंसर्जेंसी भी है बलूचिस्तान दे विच, उत्थे बहुत ज्यादा तुरना चाहिए। तो ये बहुत कुछ चीजा जिहड़ियां ने सवाल खड़ा कर दियां ने कि अज तक इन्हां दा जिहड़ा डैम दा ढांचा है वो तकरीबन तकरीबन कह लो कि नाकाफी साबित होया, ते जिहड़े अंडर कंस्ट्रक्शन सीगे वो भी रुड़ पुड़ गए, फिर जो आबादी जिहड़ी दरियावां दे कंढे ते आके बैठी सी वो उन्हां दे घर भी चले गए, ते बेचारे आप भी प्रभावित होए, तां मतलब कि कई समस्यावां ने इन्हां चीजा नूं। हुण जे खोल के देखना होवे तां ठीक है, क्लाइमेट चेंज एक बहुत वड्डी समस्या, पर जे तुहाडे कोल बुनियादी ढांचा मजबूत होएगा तो कुछ चीजा रोकिया तो नहीं जांदियां होंदियां, पर उन्हां दी मार घट कीती जा सकती है जी, जी। इस करके जिवें चाइना ने कुछ हद तक भारत ने जिदा डैम का एक बहुत वड्डा ढांचा तैयार किया, तो इन्हों भी करना चाहिदा सी, पर तुहानूं पता उत्थों दे हालात राजसी पक्ष तो देखिए तो काफी गुंझलदार ने यार। क्लाइमेट चेंज की जिहड़ी ये कहानी है, जे तुसीं देखोगे आम तौर पर उत्थे मानसून के 4 to 5 cycles आउंदे ने, वो भी ब्रेक नाल, मतलब आ गया ब्रेक आ गया ब्रेक, इस मरतबा तो जे तुसी देखोगे तो तकरीबन 7-8 दड़ा 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 इकट्ठे जी, तो फिर तबाही होनी सी, स्वाभाविक है। तो हुण भी मैं देख रहा सीगा कहिंदे कि सितंबर दे विच भी उम्मीद है, सितंबर दे विच भी, ते जे मान लो कुछ इस तरह का फिर वापरता तो बहुत माड़ी गल होएगी, बहुत कह लीए कि जिहड़े बंदे पहले ही जूझ रहे अपनी जिंदगी दे विच उन्हां वास्ते होर बेहतर होएगी। सो दुआ कर सकते हैं, दुआ कर सकते, पर सब तो वड्डी गल है कि जिहड़े तुहाडे वर्गे लोग लगे हुए ने जां होर इस तरह के रिलीफ वास्ते फंड एकत्र कर रहे ने, यह बहुत बहुत वड्डी गल है, ये बहुत नेक उद्यम ने होने चाहिए आ, ने आंदे हुंदे ना कि दीवा दीवा बाली दिवाली बन जाती है, पैनी पैनी जां कह लो कि जिवें आंदे पंजाबी च फोई फोई करके तला भरिया जांदा, तां थोड़े चो थोड़ा बहुते चो बहुता, साडा तां वैसे भी तुहानूं पता ही है कि एक फलसफा है दसवंध दा, कि थोड़ा बहुता हिस्से लगे तां कुछ लोकां नूं उहनां चीज़ां दी जिन्हां चीज़ां नाल जूझ रहे थोड़ी जी राहत मिले, तां बहुत वधिया उदम है तुहाडा, मैनूं बहुत वधिया लग्या, ते मैं सारिआं नूं दानियां नूं भी ते जिन्ने तुहाडे वर्गे ऑर्गेनाइजर है सारिआं नूं सल्यूट भी करदा। मिंटू जी, तुहानूं बहुत वड्डी गिणती दे विच सुणन वाले हैगे ने, तुहाडे प्रशंसक ने, उन्हां नूं जिहदे अपने वल्लों तुसीं इक अपील भी कर दिओ कि अज वध चढ़ के दान करन ते होरां नूं भी प्रेरित करन कि साडे नंबर 604-961-0915 ते कॉल करके जिन्ने भी धनराशि, कोई अमाउंट छोटा नहीं, कोई अमाउंट वड्डा नहीं, डोनेशन जरूर करन, ये अपील जे तुसीं आप अपनी जबानी भी कर दिओ ते बहुत मेहरबानी होएगी। हाँ जी बिल्कुल जी, मैं अपने कह लो कि जिन्हें भी भैन भरा ने सारिया के चरणों च बेनती करूंगा कि देखो वैसे तो आप कहिए ना कि कुदरत दे नाल खाता चला के रखते हैं, थोड़ा बहुत तो अपना चलता ही रहिंदा, ता ये है कि जो आप रब बहुत ज्यादा दे देता है ना उदो थोड़ा जिहड़ा दसवंध है ना कढ़ना औखा होया जाता है, तो तुहानूं परमात्मा ने बख्शिशां बख्शियां ने, ठीक है कि जो आप तरक्की बहुत कर लें दसवंध भी बहुत वड्डा बन जाता है, पर जो दिल वड्डे होण तां दसवंध अपने आप ही वड्डे हो जाते हैं, तो जो दसवंध वड्डे हो जाते हैं तुहाडियां तरक्कियां होर भी वड्डियां हो जांदियां ने। सो मारो झट मारो हल्ला मारो जिन्ना भी कर सकते हो, क्योंकि पंजाबी कम्युनिटी वल हमेशा वेख्या जाता है खास तौर पर कि ये लोग ने दयानतदार ने, साडा कोविड दे विच भी तुसीं देखिया ना कि किस तरह दुनिया दे विच जस गाया गया कि ये लोग क्या यार, ये कौम है जिहड़ी बहुत भलाई दे काम करदी है। तां मैं अपील करदा कि जिन्ना भी है थोड़े चो थोड़ा बहुते चो बहुता जरूर सहयोग करो, ताकि जिहड़े लोड़वंद ने उहनां वास्ते वह जिहड़ी तुहाडी छोटी मोटी राशि है वह भी एक बहुत वड्डा कह लो जिवें सहारा बन सके। सो मेरी तुहाडे चरणां च
कह लो चौधरी है, बेनती है कि भाई तुसी जरूर प्रवान करो। मिंटू जी, एक दो खबरां जिहड़ियां अज दियां कुछ अहम ने उन्हां बारे भी तुहाडे तों जानकारी सांझी करनी हासिल करनी चाहवांगे। सिद्धू मूसेवाले दे पिता जी नूं बुरे हशर की धमकी देने वाला जिहड़ा बदमाश सीगा, पंजाब पुलिस ने उसनों काबू कर लिया जी, ये बारे दस सकते हो ब्रीफली प्लीज़। जी बिल्कुल, हशर की गल तुसी कीती है तो वो किसी ने कहा सी ना, हशर में इंसाफ होगा, बस यही सुनते रहो, कुछ यहाँ होता रहा है कुछ वहां हो जाएगा। तो गल ये है कि हुण जिहड़ा हशर की धमकी दिंदा सी उहदा हशर इत्थे पंजाब दीआं जेलां च होएगा। तो यह राजस्थान तो फड़ के लिआंदा बदमाश, इन्हें ही धमकी दिती सी, वो जिहड़ा ईमेल आया सीगा। बहरहाल इन्हां नूं किदां इनपुट मिली, कित्थों जाके फड़िया, किहड़े ग्रोह दे नाल जुड़िया हुआ सी, हालांकि एक ग्रोह का नाम आ रहा क्योंकि हाले पुष्टि नहीं कर रही पुलिस, आपां हाल दी कड़ी उहनूं फिलहाल मुलतवी रहण दिंदे हां कि उहदा नाम जरूर उजागर करांगे जदों पुष्टि हो गई। तां बहरहाल मुढ़ली इह जानकारी है कि उस बदमाश नूं जिहने ईमेल घल के कथित तौर पर यह सारा कुछ किया, सारा कुछ दसिया कि मैं वो हाँ जी फलां टमका, तो तुम बहुत बोलते, थोड़ा भी हशर इदा का कर देंगे, फड़ लिया मानसा पुलिस ने। हूँ वो पुछगिछ होएगी तो की कोई होर की साथी हैगा सी जां उह कल्या ही ये सारा कुछ कर रहा है जी। तो मिंटू जी, इतने पंजाब दे विच आम आदमी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार घिरी है, भी कर्मचारियों को तनखाह लेट हो गई, तनखाह मिलिया नहीं, की माजरा जी? हाँ जी, देर शाम तनखाह आ गई ने। अच्छा, देखो गल की है कि राजनीति दे धरे ते ना बड़िया चीजा अजीबो गरीब होंदिया। अज कांग्रेस ही कह रहे थे आ देखिया जे कदे इतिहास च होया कि तनखाह एक हफ्ता लेट हो जाए, तो मैं क्या थोड़ी 2017 के सितंबर वाली तनखाह 15 सितंबर न आई सी, तो इतिहास इन्हों तो वड्डा बढ़ाई फिरते जे। कोविड के दौरान साड़ी पुलिस फोर्स न तनखाह पानी भुल गए थे जबकि सारे तो ज्यादा काम वो कर रहे थे। तो मतलब कि राजनीति इस तरह ही चलती है। सो दूजे पास चीमा साहब जेडे तुम पता है जो कोई वड्डा नेता पार्टी चो निकल के जाता है कहते पार्टी मजबूत हो गई, उही डायलॉग हुण थोड़ा जा बदल गया, कहते कि खजाना भरपूर है, खजाने च पैसे की कोई कमी नहीं, पर वेले सिर तनखाह वाले मुद्दे से कहते, क्योंकि नैशनल न्यूज बन गई ना, केंद्रीय वजीर की मनजिंदर सिरसा की NDTV से डिबेट हो रहा है, मैं देखा शामी हिसाब ला लो कि वड्डा मुद्दा बन गया कि भाई ये पंजाब मॉडल दे विच की चल रहा है। तो चीमा साहब कह रहे सन देखो देखो कोई वड्डी गल नहीं हैगी यार, तुसीं मेरी गल सुनो, गल ये आ भी आप कर ले पक्के बंदे जी, कच्चे मुलाजम जेड़े आ वह पक्के कर लै, करके थोड़ा तुम पता सैटिंग से थोड़ा टाइम लग जाता, बंदा पूछे कि हजूर वो हजे कल ऐलान किया, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होया उन्होंने कि तनखा देनी हाले, तो चीजा जनु पता जी इना प्रोसीजर करके सारा कुछ हो गया। खैर प्रोसीजर करके नहीं सी होया, बेसिकली की है कि इन्होंने जो एक होंगे इन्हों का हम मैं एग्जैक्ट ना याद नहीं है, वो ना फंड शो करने होंगे ताकि उधारी इन्हों की चलती रहे RBI तो या जितों भी कितने लैनी होंगी है, तो वह इन्हों जरूर उत्थे शो करने पेंदे, ऐतकी उन्होंने जो इन्हों तो मंगे तो वह शो किए, इसे करके ये इधर पाते हैं तकरीबन अपनी 2700 करोड़ रुपए की तनखा बनती है मुलाजमान की, तो इस करके ये लेट हो गए। तो जरा जी गल है कि फिर थोड़ी लेट लतीफी कई बार तुम महंगी पै जाती, मुलाजमान ने आख्या कि देखो गल यह आ कि भाई 10 तरीक तक उड़ीकांगे नहीं तो फिर असी कोई संघर्ष उड़ीकांगे, तो उधरों खबरां बन गई, उधरों सियासी मुद्दा बन गया, तो फिर इन्होंने देर शाम वो जिवें मैसेज आते हैं ना टन 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 भी तुहाडे खाते च इन्ने पैसे जिहड़े आ क्रैडिट हो गए, तो मुलाजम हसदे सी मिना मिना कि देखो यार कि भाई सरकार तो हैगी है, चलो थोड़ा जा रोया ही सही पर टुक दे देंगे ने। तो खैर यह आके हुण देखते हैं किनिया को तनखा लेट होंगे ज अगलिया तनखा वेले सिर मिलदियां रहनगियां जी। मिंटू जी, एक दस्यो फरीदकोट की रियासत वाली जायदाद का जो रफड़ तकरीबन मेरे ख्याल पिछले 3 दहाकों तो पिया हो, 25,000 करोड़ की यह जायदाद है, सुप्रीम कोर्ट ने यह फाइनली नबेड़ा कर दिता, फैमिली डिस्प्यूट से यह मेरे ख्याल महाराजा हरिंदर सिंह की जायदाद सी जो फरीदकोट के महाराजा से, तो 25,000 करोड़ की जायदाद का की निपटारा किया सुप्रीम कोर्ट ने? हाँ जी हाँ जी, हरिंदर सिंह बराड़, देखो गल की है कि इन्हों का जोड़ा मसला से 1980 तो तकरीबन उलझ गया, हिसाब ला लो कि 35-40 साल ही हो गए, तो हूँ ये फैसला आया। दरअसल की है कि कोर्ट दर कोर्ट, कोर्ट दर कोर्ट, ये सारा पेंडा गाँव गया
केस ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਦਰਅਸਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਾਖਵਾਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਦੋ ਸੰਤਾਨਾਂ ਸੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਧਰ ਕੋਲਕਾਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਲ ਆ ਗਈ ਜਿੱਦਾਂ ਵਸੀਅਤ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਈ ਸਾਰੀ ਟਰੱਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰੇਗੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਥੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਸੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਅੰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 25,000 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ, ਦੋ ਪੈਣਾ ਤੇ ਪਲੱਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸ਼ਿਮਲੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੱਲੀ ਸਾਰੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ 25,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਬਈ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਚੰਗੇ ਤਗੜੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਤਗੜੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਸਗੋਂ ਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 14 ਚ ਕੀ ਸੀ ਤੇ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਖਬਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਮਾਣਮੱਤੀ ਖਬਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਰੋਹੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਰੋਹੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਨਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਲੂ ਵੜੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ ਬਾਰ ਬਾਰ। ਤਾਂ ਭਾਲੂ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚੀਕ ਝਿਆੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਲੜਕੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਲੂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਠੀ ਚੱਕਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਠੀ ਚੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਲੂ ਦੇ ਪਾਲੂ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। 14 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਥੋੜਾ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਚੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਹਟ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।